हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉकिंग रसोई। आज हम भिंडी दो प्याजा बनाएंगे। उसके लिए हम मस्टर्ड ऑयल में बनाएंगे। उसके भिंडी डीप फ्राई करने के लिए मस्टर्ड ऑयल को गर्म कर लीजिए। करीब दो बड़ी चम्मच मस्टर्ड ऑयल है, इसे अच्छे से गर्म हो जाने दीजिए। तेल हमारा गर्म हो गया। मैं 300 ग्राम भिंडी ली है, उसे अच्छे से धो के सुखा के दो दो टुकड़ों में कर लिया है। उसको हम फ्राई करेंगे। उसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका थोड़ा सा गर्म तेज ना हो जाए। तेल भी लग जाए, गरम तेल बुरा है। ऐसी पॉइंट पे हमने दो मीडियम साइज की प्याज चार चार टुकड़ों में काट के इस तरह से उसे भी डाल के फ्राई करेंगे। गैस तेज ही रखिएगा। एक मिनट लगेगा फ्राई होने में। ऑनियंस को भी कलर चेंज करने में भिंडी ऑलमोस्ट डन है। उसमें एक टमाटर के चार पीसेस डाल देंगे डीप फ्राई करके। उसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, उसे पकाएंगे नहीं। हमारी भिंडी ऑलमोस्ट डन है, उसको निकाल लेंगे। इसी तेल में आधी स्पून हम अजवाइन डालेंगे। अजवाइन डाल दिया, उसमें पिसी हुई प्याज डालेंगे एक मीडियम साइज की। उसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। साथ में दो तीन लाल मिर्च और आपको जैसे अच्छा लगे। इस पॉइंट पर आप जिंजर गार्लिक पेस्ट लेंगे एक स्पून। और अच्छे से भूनेंगे। भूना जाता है अपना तेल ना छोड़ दे, कलर चेंज ना हो जाए। ओनियन का कलर चेंज हो चुका है। इसमें हमने तीन मीडियम साइज टमाटर की क्यूब डालेंगे। साथ में एक चम्मच खसखस के बीज डाले हैं, उसे भी डाल के थोड़ा सा गैस तेज करके इसमें पकाएंगे। साथ
साथ में इसी पॉइंट पे अपन इसमें हल्दी आधी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर अपने स्वाद अनुसार, अगर आप ज्यादा तीखा खाते हैं तो वैसे डालें, देगी मिर्च कलर के लिए जरूर डालें इसमें एक चम्मच, और इसे मिक्स करें। टमाटर को तब तक पकाएंगे जब तक पूरी तरह से तेल ना छोड़ दे। इसे हाई फ्लेम पे ही पकाना है। अब इस पॉइंट पे एक स्पून इसमें हम जीरा पाउडर डालेंगे। मिक्स करेंगे अच्छे से। और मसाला बिल्कुल ऑलमोस्ट तैयार है। अब इस पॉइंट पे अब इसमें हम दो स्पून दही डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे। साथ में जो हमने भिंडी भुनी हुई थी, प्याज टमाटर सब इसमें डाल देंगे। सिम कर दीजिए। इस वाले पॉइंट पे अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक स्वाद अनुसार, कम ज्यादा जैसे आप खाते हो। हाफ टी स्पून इसमें गरम मसाला डालेंगे। साथ में इस पर थोड़ी सी अमचूर पाउडर भी डालेंगे, खटास आपको चाहिए। इसे हम मिक्स करेंगे। हमारी भिंडी जो प्याजा बिल्कुल रेडी है, गैस सेट कर देंगे। जैसे एक आध मिनट और पकने देंगे। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, मन कर रहा है यही टेस्ट कर लें। भिंडी हमारी बिल्कुल रेडी है। इसको गार्निश करेंगे धनिया से, हरा धनिया डालें और गरम गरम से सर्व करें पराठा पूरी के साथ में। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।